जदीद तर्ज इलाज ने सेहत के शोबे में नई बुलंदियों को छूकर इनकलाबी कामयाबियां हासिल की और पूरी दुनिया इन सहूलियात का बखूबी इस्तेफादा कर रही है। इस बात से इनकार की गुंजाइश नहीं कि बुनियादी जरूरतों में अस्पताल का होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। तहसील फैसल इस मामले में पसमानगी के लिए अपनी शर्मंदगी का इजहार कर रहा है। अगर यहाँ अस्पताल तो है लेकिन ये इमारत अपनी वीरानगी का इजहार कर रही है। बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से यहाँ तैनात मुआलिजीन मरीजों का इलाज करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से मरीज दूर दराज इलाकों में कायम अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं और कई दफ़ा लोगों को इस मामले में शदीद मामलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से आवाम महकमा सेहत से सख्त नाला नजर आते हैं। लोग हुकूमत से सवाल करते हैं कि इतने बड़े इलाके के लिए एक बड़े अस्पताल की जरूरत के बावजूद हुकूमत इस मामले में संजीदा क्यों नहीं। वाजह रहे बुदरू, डिमडला, टेंगजन, ब्राजलू, बचरू, कुजर, कालातन, मट्टीपुरा, मिशीपुरा, कालीपुरा, हावरा, रेडबनी, बटपुरा, नावबल, टंगबल, गंडाबल, छानापुरा, चनगाम, शिरपुरा, गुंचहल, त्रिभुजी, मोमन, क्रयालाचक, शरचक, आवनीरा, दुरपुरा और आरवनी, चेरमरग, नाड़ीमरग, इसके अलावा बहुत सारे गांव तहसील फैसल के मुतसिल ही वाका है। आवाम चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कैमू, महकमे सेहत के दीगर आला अहदा दौरान वो अफसरान से पुरजोर मुतालबा करती है कि फैसल में कायम अस्पताल को अपग्रेड करके इसमें बुनियादी सहूलियात बहम रखी जाए ताकि लोग इन सहूलियात का वक्त पर फ़ायदा उठा सकें। तहसील वेलफेयर कमेटी फैसल से मैं तबसुम मुश्ताक, कैमरामैन उबैद कश्मीरी के साथ।